बेचारा काफी जल्दी खाए इंतजार कर रहा हूं हां रोटी जल्दी मेरे मुंह में जाए खाना खाने का अच्छा वाह 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 याहू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। ससुराल लाइफ इजी नहीं होती दोस्तों, तो बस यहाँ पे मैं लग जाती हूँ। ये होली के दूसरे दिन की क्लिप है, तो मैंने सोचा जल्दी भी ब्लॉग एडिट कर दूं, अदरवाइज नवरात्रि आ जाएंगे तो उनके ब्लॉग्स फिर मुझे निकालने हैं। और भी बहुत सारे ब्लॉग मेरे पास हैं, कुछ वीडियोस मुझसे डिलीट हो गई थी जिनको मैंने रिकवरी पे लगाई थी, तो वो सारी वीडियोस भी रिकवर हो गई हैं। जैसे कि नैनीताल और कई जगह की ब्लॉग थे जो कि वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी, इसी वजह से वो वीडियोज मैं नहीं अपलोड कर पाई अभी तक। तो बस यहाँ पे मैं पनीर कट कर ले रही हूँ, और पनीर के साथ साथ मैं मटर और प्याज मैं पका रही थी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, जिसने नहीं देखा उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगी, तो आप जाकर के फटाफट से वॉच कर लीजिएगा। वो भी ब्लॉग बहुत ज्यादा प्यारा बना था, उसमें मैं अपनी मम्मी के मायके गई थी। तो यहाँ पे पनीर मटर पनीर किस किस को पसंद है, मुझे वैसे लिटरली बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। पसंद है तो सिर्फ एक इंसान के हाथ का पसंद है, वो है मेरी छोटी वाली भाभी। उनसे अच्छा मुझे मटर पनीर नहीं लगता कोई बनाता, मैं खुद भी नहीं बना पाती हूँ इतना अच्छा। तो यहाँ पे बस मटर पनीर बन जाती है, सभी को बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी अच्छी ही लगी थी। और यहाँ पे मेरी जिठानी, मैं, सब लोग थे। बट जो मेन कोर्स था ना, वो पूरा मैंने ही कवर किया था, कि जैसे पनीर की सब्जी एंड जो कुछ मोटा मोटा आइटम था बनने का वो मैंने कवर किया था। बाकी जीरे वाले आलू मेरी जिठानी ने बनाए थे, जो कि आगे ब्लॉग में आप देखिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। रेसिपी बोलेंगे तो आप सभी के साथ कभी मैं शॉर्ट में से ही बोल के शेयर करवा दूंगी। जब मैं ससुराल जाऊंगी, हम दोनों लोग संग में होंगे ना, तो मैं शेयर करवा दूंगी। सच में बहुत अच्छे जीरे वाले आलू बनाती हैं। तो यहाँ पे बस मतलब वो भून चुका था अच्छे से प्याज और लहसुन, और इसको मैं सिलबट्टे पे पीस लूंगी। इसके बाद मैं आगे की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद यही करती हूँ कि ब्लॉग आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज वीडियो को, जो फर्स्ट टाइम आ ही रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट वाले आप। हमसे भी बड़े धुरंधर हैं, कह रहे हैं बना रही तो दिखा क्यों नहीं रही, कैमरा क्यों बंद करी, क्या कह रही दीदी? कह रहे हैं अपना वीडियो तो बनाओ। तेरे खाना बना रही है इतनी मेहनत से, तेरी खाना बना रही इतनी मेहनत से, वीडियो भी तो बनाओ। देखा मेरे घर में सब कितना मुझे यार सपोर्ट कर रहे हैं, लव यू। ये रहा सब्जी का कलर, आप देख सकते हैं। सच में यार इतनी पूरी फैमिली मेरी इकट्ठा हुई, बड़े दद्दा अगर भी होते ना यहाँ पे, मेरे बड़े वाले सबसे जेठ, तो समझ लो 20 लोग की पूरी फैमिली आज की डेट में कंप्लीट है। 20 लोग हैं मेरे घर में। तो यार पानी थोड़ा सा और बढ़ा दे दादी, चम्मच दे दो ऊपर। खाने में क्या क्या है मैम, आप क्या क्या खाना निकाल रही हैं? खाना पनीर है, और कद्दू की सब्जी है, और जीरा वाले आलू है, जीरा वाले आलू दीदी ने बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे बेल रही रोटी, मैं जा रही ऊपर सेकने। इतने लोग का खाना अकेले बनाना आसान है, पर परोसना और सब कुछ जो एक्स्ट्रा ऊपर के काम होते वो नहीं हो पाते, इसलिए मैंने इन लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया था कि बच्चा आ जाओ फटाफट से लगा दो सबको। और इतना स्पेशल खाना क्यों बन रहा है उसका भी एक रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में एक कौन गेस्ट आने वाले थे या कौन हमारे घर आने वाला था, वो आपको आगे ब्लॉग में मैं बताती हूँ। एंड यहाँ पे नीचे मेरी बड़ी जिठानी रोटी बेल रही थी, मैं फटफट से सेक ले रही थी। और
बस क्या ही बोलूं, तो आगे आप जानिए कि मेरे घर कौन आने वाला था, आया या नहीं आया, किस नहीं किस लिए नहीं आए, तो वो सब कुछ आपको आगे ब्लॉग में मैं बताती हूँ। यहाँ पे पतिदेव इतना सपोर्ट करते हैं, सिर्फ खाने में, बनवाने में नहीं। देखिए किचन के पास कैसे लटक के खड़े कि जल्दी से मुझे खाना मिल जाए, तो वो कितना बड़ा हेल्प है। आपके पति भी इस तरीके का हेल्प करते हैं तो बताइएगा ज़रूर मेरे। ससुराल में ही नहीं होता है, घर पर भी मैं रहती हूँ जब लखनऊ में, तो यही हालत है। अगर ये बैठ गए तो फटाक से खाना सामने आना चाहिए, फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। एक सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आप लोग गेस करके बताइएगा कि मेरे जेठ ने मुझे पैसे किस खुशी में दिए हैं। ये खाना बनवाने का अच्छा। वाह 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 वाह। जिनके लिए इतने स्पेशल खाना बना, फिलहाल वो तो आए नहीं थे, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बता दिया था, कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं आए थे। फिलहाल हमारे नंदोई थे और भी फैमिली के मेंबर्स थे। यहाँ पे मम्मी देख रही हैं कि मैं किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा लगता है कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मम्मी आके मेरे पास खड़ी हो जाती हैं या मम्मी मेरी हेल्प करने लगती। मैं कहना ये चाहती हूँ, यहाँ पर सब लोग खा पी चुके थे और मैं किचन सोचा लगे हाथ कर लूँ क्लीन, क्योंकि एक लोग के बस की बात नहीं, जब आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो तो साथ में लगना ही पड़ता, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मेरी जिठानी कर रही थी बर्तन और मैंने सोचा फटाफट से मैं किचन क्लीन कर देती हूँ रात को, मतलब सारा हमारे घर का काम जितना होता है रात को ही होता है। किस किस के घर में रात में काम होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा ऐसा लगता है ना, जिनकी जॉइंट फैमिली होती है तो उनके घर में ऐसे ही काम होता होगा, सब लोग को साथ में लग के करना पड़ता है, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने लोगों का खाना, इतने लोगों का बर्तन, है ना। तो फिर सबके घर में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता होगा। और किसके किसके घर में जॉइंट फैमिली है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे देवरानी जिठानी सास ससुर सबका भरा पूरा परिवार जैसे कि मेरा है। मैं इस मामले में मैके से कमज़ोर हूँ, मैं कह सकती हूँ मेरे मम्मी पापा नहीं है, बट आप बिलीव करिए, मैं दुआ दिन रात करती हूँ कि मेरे सास ससुर ऐसे ही बने रहे, मेरा पूरा परिवार ऐसा ही बना रहे, ऐसे ही खुशियों भरा मेरा पूरा घर रहे। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा खाना वाना करने के बाद मैं फिर पोछा लगाने लगती हूँ, किचन गैस वैस क्लीन करके फिर पोछा लगाऊंगी। और सच में यार हालत इतनी ख़राब हो गई थी काम कर करके, मतलब कंटिन्यूसली दो तीन घंटे से लगी थी खाना, फिर पूरा थाली वाली निकालना, रोटी सेकना, फिर पूरा किचन साफ़ करना, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद बीच बीच में कैमरा भी उठा के सेट करो, ब्लॉगिंग भी करना, तो कितनी मेहनत करती हूँ। इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा कि फिर थोड़ा ब्रश व्रश करके फिर आपसे डायरेक्ट मिलूँगी अपने रूम में, क्योंकि सच में यार मेरी हालत एकदम इतनी ज़्यादा बेकार है कि मैं कैसे ज़बरदस्ती पोछा लगा रही हूँ वो मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। और उस दिन को फील कर रही हूँ अभी मैं वॉइस ओवर करते टाइम कि उस दिन मेरा क्या हाल हो गया था काम करते करते। चलिए मैं आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ अपने रूम में जब जाती हूँ बेड पर। अभी जस्ट जाके फ्री हुई हूँ, सारा खाना पीना खा के किचन उचन धुल धुला के सब फिट हो चुके हैं। एंड आज आपको दिखाते हैं कि मेरी पूरी फैमिली के टोटल कितने लोग हैं घर पे। सास भर आई है, उतना ज़्यादा करते नहीं ना यार, इसलिए बच्चों से शुरुआत। अच्छा, उतना ज़्यादा करते नहीं घर पे काम, घर पे वैसे भी आप सभी को पता है काम वाली है मेरे, लेकिन ससुराल आओ तो करना तो है ही। सबसे पहला बच्चा सो गया,
कौन है वाला? पापा तुमको बुलाए यहाँ मौसम क्या? यहाँ पे है जिसपे पूरी टीम बैठी हुई है जिसपे, ये रूम मेरा है अभी जो कि इनकम्प्लीट आप लोगों को दिख रहा, बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। कहते जाते पर जब वहाँ जाओ तो वहाँ से जब आओ, यहाँ पे कोई फेस्टिवल या कुछ होता था अभी, पर इस पूरे कमरे में इस बार मैंने सोचा कि मैं आऊंगी तो पूरे कमरे के लिए कर्टन, और देखते क्या कर पाते। फिलहाल कर्टन तो सबसे पहला, और सेकेंड जो है एसी। तो पहला रूम ये मेरा, यहाँ पे मैं लेटूंगी, मम्मी लेटेंगी, मम्मी की जो बहन आई वो लेटेंगी, और खुशी लेटेंगी। वैसे मैं साई मतलब सब रूम लेट देते, ठीक है? अब चलो आगे जाओ, कवर कर लो। मेरा रूम आपने देख लिया है, और ये भी मेरा ही रूम था। एक टाइम पे था ना कि शादी करके मैं इसी रूम में आई थी, बट कुछ दिक्कत की वजह से इस रूम को मुझे छोड़ना पड़ा था। और अब यहाँ पे मंदिर है और मम्मी पापा यहाँ पर लेटते हैं, बट वो भी बहुत खुशी कपल है मेरे लिए कि मेरे मम्मी पापा इस तरीके से यहाँ पर लेटते हैं। और मुझे देख बीच वाली जिठानी का है जिसमें बेड डाल रखी है और ऐसे खटिया डाल रखी है। खटिया अभी इन्होंने डाल दिया, वैसे नहीं रहती है क्योंकि जब घर में ज़्यादा लोग हो जाते तो फिर रूम में ही लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। और इधर आप देख लीजिए टंकी वंकी सब चूंकि बस कनेक्शन होना बचा है, और इधर सीढ़ियों का काम थोड़ा सा रह गया चूंकि कच्चा आपको दिखाया गया। सो फैमिली, आप सभी ने आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि उम्मीद है इसमें ससुराल की पूरी फैमिली, मेरा पूरा काम, सब कुछ जो एक ब्लॉग में शेयर करना चाहिए उस तरीके का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जिनको लगता है कि मेरे ब्लॉग में कमी है, मेरे ब्लॉग में कुछ मतलब वो है, मेरे ब्लॉग में किसी को नहीं आना देना चाहिए, तो पहली चीज़ तो यार ऐसा हर कोई आजकल व्हाट्सएप पर अपनी DP लगाता, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ोन से या सोशल मीडिया से कनेक्ट है। तो अगर मेरे चाहता चली बातें बहुत सारी हो गई हैं, ससुराल फैमिली मेरी कैसी लगी? और फर्स्ट टाइम मैंने इतने लोगों का खाना बनाया, मतलब मेरे बड़े वाले जेठ अगर होते तो घर पर आज 20 लोग का खाना बना था, और सबने मतलब बनाया मैंने, लेकिन मिलके सबने हेल्प किया। आप सबने ब्लॉग में जैसा देखा, मेरी जिठानी ने और साई जिठानी के बच्चों ने सब खाना निकाला, सबने खिलाया वाला मस्त, बहुत अच्छा लगा। फैमिली के साथ वैसे भी कोई भी आप फंक्शन करो अच्छा ही लगता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेक श्योर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर सपोर्ट करें, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दे ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। एंड और क्या मैं बोलने जा रही थी, तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते हुए चेहरे के साथ मिलते हैं, बाय।